अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं ज़फ़र हुसैन भाई आज एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मरी के हसीन नज़ारे लेकर। ये नाज़रीन मरी की कुलडन्ना वादी है जहाँ पे मैं आज आपको सैर कर रहा हूँ और इस तकरीबन मुझे से 3 का टाइम हुआ है और आप क्या जैसे मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे या साइड पर देखेंगे, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है कि कितनी खूबसूरत नज़ारा है। इस वक्त बर्फ़ ने हर चीज़ को लपेट में लिया हुआ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बर्फ़ के बगैर हो, बर्फ़ हर तरफ है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, सफ़ेद चादर बिछी हुई है चारों ओर। बेशक हम दरख्तों को देखें, बेशक सड़क को देखें, बेशक हम किसी और चीज़ को देखें, और ये देखें नाज़रीन के साथ लोग भी जोड़ कर जोड़ ये नज़ारा करने के लिए आ रहे हैं। ये जैसे मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है तो ये देखें, ये दरख्त का खूबसूरत सीन है जिसने टहनियों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जिस वक्त हम ये सड़क पे लगे हुए बारिश पर आते हैं तो वो भी बर्फ़ से ढकी हुई है। नाज़रीन पिछले कई दिनों से यहाँ बर्फ़ हो रही है और इस वक्त हमारा जिस वक्त हम आए तो बर्फ़बारी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है और ये धुंध भी आपको नज़र आ रही है कि धुंध भी बर्फ ही होती है क्योंकि टेम्परेचर इतना गिर चुका है कि जो मॉइस्चर है फ़जा में वो ही बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये लोग सैर करने के लिए, बच्चे भी आपस में ये बर्फ़बारी से इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ नाज़रीन इस इलाके की जिंदगी बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कितने कितने दूर से लोग अपने ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें लाते हैं, ये चर्ची हमारे जहाँ से लोग आके इंजॉय करते हैं। जब भी मरी है तो लगा कि ये एक्सप्रेस वे के ऊपर है, जिस वक्त हम इस तरफ आते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं और यहाँ पे एक स्पॉट है, मैं तो कहते हैं यहाँ पे जिस वक्त आप आते हैं जनाजे क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये देखिए कि जितनी हार्ड जिंदगी है यहाँ पे इन्होंने अरेंज किया हुआ स्विमर्स का भी, तो ठीक है रोजी कमाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसे कमाते हैं, लेकिन इसके साथ है कि इतनी सख्त सर्दी में और गर्मी में अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाना, ये कहाँ से इतनी दूर से ये चीज़ें लेकर आते हैं। फिर जो पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग सैर करने आते हैं उनको गर्म गर्म पकौड़े भी खिलाते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये गर्म अंडे भी होते हैं। और इसी के साथ नाज़रीन या दूसरी साइड पर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये हमारे एक और चाची हैं, देखो पानी डालने लगे हैं चाय में, पता नहीं मिक्स करने के लिए दूध डालते हैं कि नहीं, बाबा चाय से ही बनाया। हाँ, और जब हम इस तरफ आते हैं हमारे एक और चाचू खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये चाय बना रहे हैं माशाल्लाह और बड़ी खूबसूरत होती है, लजीज होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इस मुश्किल इलाके में ये जहाँ रिजक कमाते हैं यहाँ पे खिदमत भी है कि जो लोग सर्दी में ठंड में आते हैं या रेस्ट करते हैं, और इखलाकी तौर पर मैं इतना बताता हूँ कि इखलाक भी उन लोगों का अच्छा अच्छे तरीके से डील करते हैं। माँ बहन बेटी भी कहकर पुकारते हैं जिसको आते हैं, नज़र में इनके हया होती है। और ये इस इलाके की क्वालिटी है कि ख़वातीन के साथ ये लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उनके साथ किसी किस्म की, मैंने तो आज तक ज़िंदगी गुजर गई है यहाँ पे, को बचपना मेरा और बुढ़ापे की तरफ कदम कर रख रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि ख़वातीन के साथ ये लोग बदतमीजी करें, बल्कि अपनी कुर्सियाँ उठा के भी उनको देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग यहाँ पे आएँ तो मैं भी इनसे नाज़रीन जिस वक्त हम मरी की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ पे जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं वो तो इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन उसी के साथ देखना पड़ता है कि मेरे जैसे कि ये लोग कम मुतसर तक उसे ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास इतना ज़राया उनका नहीं होता कि अपनी गाड़ियाँ रख सकें, लेकिन ज़ाहिर है दिल तो करता है उनका भी। तो जिस वक्त वो यहाँ मरी की तरफ आते हैं तो एक तो वहाँ से अपनी बुकिंग करके ले जाते हैं, जैसे लोकल भी होता है। तो अभी मेरी एक यहाँ पे इफ्तिखार हुसैन शाह साहब से बात हुई है, तो शाह साहब अल्लाह ताला उनको इज्जत भी दे, रिजत में इजाफा भी करें, उनसे बोला उनकी अपनी गाड़ी है कि मैंने जैसे भी आपको दिखा रहा हूँ ये इनकी गाड़ी है, ये हम बुकिंग पर चलती है। पर एक और बात बता दूँ, मेरे ऐसे कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा कि शायद आपको ना कहीं मैं अपने किसी दोस्त को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये इनसे मैं पूछता हूँ
السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی شاہ جی کیا نام ہے آپ کا؟ افتخار حسین شاہ. جی یہ آپ کی گاڑی اپنی ہے؟ جی سر میری اپنی ہے. تو کیسے چلاتے ہیں اور کیا بکنگ لیتے ہیں، کیا سسٹم ہوتا ہے اس کا؟ سر جی مختلف ہے، جہاں پہ ہماری میں آنا جانا، ہم صافی جو ہماری کیش ہے اس میں بھی آتے ہیں، خرچے جو ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ بکنگ والے ہیں ان کا ہوتا ہے، تو ہم صافی بکنگ پہ آ رہے ہیں. ہمارا تقریباً 8 سے 10 ہزار روپیہ ہم صافی لیتے ہیں یہاں پہ آنے کا. یہ پورے دن کے لیے یا کہ کلو میٹر کے حساب سے؟ پورے دن کے لیے. پورے دن؟ جی جی سر. یہ پوری مری میں آپ لیں گے؟ جی سر مری میں گھوم رہے، جہاں تک گاڑی جا سکتی ہے. جہاں تک وہی ظاہر ہے کہ کچھ علاقے ہی ہے نا. جی جی. یہ اتنے کہ یہاں سے نکل گئے وہ مظفر آباد کے نیچے چھو. جی سر جی سر. وہ تو نہیں ہے. جی سر. لیکن یہ کہ مری کے سراؤنڈنگ میں جہاں جہاں پر پوائنٹ ہیں. جی سر. 1000 روپئے لے. یہ پھر کیوں لیتا ہے؟ جی سر.